बड़ी प्लेट में इतनी सी कुर्चन देते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी सबाते, और आप लोग देख रहे हैं सादिया रेस। के पीछे अंशा की आवाज़ें आ रही है, अंशा को एक काम की बात कर रही है, और अभी मैंने बैठी हुई थी तो मैंने कहा ब्लॉग बना लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इतने दिन से ब्लॉग नहीं आया। सॉरी, मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही, बट अब मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी, ये मैंने सोच लिया है। सोच लिया बस मैंने डेली ब्लॉगिंग का। शादी की तबीयत ठीक नहीं, आप दुआ करें इसकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि अभी भी शादिया उन दो बहनों की हो। अभी मैं दिखाती हूँ आपको शादिया को, और मैंने बातें कर रही है, और मैं ये रही तभी मैं एक चीज खाती हूँ और आपको भी खिलाती हूँ। क्या देखते हैं, ये बादाम होते हैं जो खुबानी में भी अक्सर निकलते हैं, मैं भी आपको इन्हें दिखाती हूँ। ये खाती हूँ मैं, ड्राई फ्रूट बाबा लाए थे कोयटा से, जो मैं बेपनाह ड्राई फ्रूट खाती हूँ, बट मुझे ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है, उसमें अखरोट हो, काजू हो, और पिस्ते हों, और बादाम, ये सारे ड्राई फ्रूट पसंद। हाँ, इंजीर नहीं पसंद मुझे, इंजीर नहीं अच्छी लगती, तो अभी हम इसको तोड़ के अपने दांतों से ही खाएंगे। चलो भाई, इधर रखती हूँ मैं। बाय। आप लोग कह रही हैं आज बड़ी रोशनी है इनके ब्लॉग में, तो जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ जब लाइट ही नहीं होती, तो आज शुक्र है लाइट है, तो ब्लॉग में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, तो जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना आप लोग भूल जाएंगे, भूलना मेरे ब्लॉग में मना है। तो बस आपकी बहन आपकी खिदमत में आप रोज़ हाजिर हुआ करेगी आज से। पहले मैं 5 मिनट का बनाऊँ, 10 मिनट का बनाऊँ, या कभी कभी तो 15 मिनट का या 20 मिनट का भी बना सकती हूँ, बट स्कूल जाती हूँ इस वजह से मैं नहीं बनाती, कि स्कूल से आके मैं थक जाती हूँ, फिर पढ़ना भी होता है, पेपर शुरू होने वाले हैं मेरे, तो पढ़ना भी होता है मुझे लाजमी, 2 घंटे देना, 2 घंटे मुझे अपने देना होता है पेपर को, तो जाहिर सी बात है स्टडी भी होनी चाहिए साथ के साथ, तो बस वही करती हूँ, दोनों चीज़ साथ करने की कोशिश करती हूँ, कभी होती है कभी नहीं, सारे हम ऐसे ही बात करेंगे आपसे। तो मैंने कहा कल है फ्राइडे, कल ये ब्लॉग मैंने रात को इससे स्टार्ट किया, क्योंकि कल एंड होएगा इसका। जी मामा, जी मामा, शादी की तबीयत ठीक नहीं है, शादिया मतलब पता नहीं बुखार होता क्या होता है, अदम ये मेरी बिल्कुल मतलब ये मैं इसको वॉश करते हैं, कट कट की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, तो मेरा ब्लॉग इतना ना कोई अच्छा हो तो नहीं था, मैं अब होगा। आज हमने बनाए थे कोफ्ते और चावल, जैसे कि आपको वो तो पता चल ही गया होगा मेरे से, नहीं निकलते, शर्माने की बात नहीं है, अभी रुक जाए कहीं तो। अभी मेरी पता है, मैं आजकल ब्लॉग इसलिए भी से मैं ही होती हूँ, वरना शादी होती है तो थोड़े से शादी के लिए चावल लेने, बट मैं होती और शादी और मामा पापा, इसलिए कि मेरी जो बहन है एक अभी भी सेंटर गई हुई है, वो आए तो वे कह रहे ऐसे तो वो ब्लॉग में आती नहीं, नहीं। ये शादी के लिए हमने दिखा दिया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं दूँगी शादियों को, तो ये दिखाना पड़ेगा आपको, बाबा ने आपके लिए कहाँ दिया, मेरी लोगों को दिखाना भी लाजमी होता है, बट अभी मैंने किचन साफ किया था तो गंदा कर दिया,
गंदा नहीं किया, बिल्कुल साफ सुथरा देखे, पीछे सारा साफ है किचन। इसका क्रेडिट मुझे था तो बस। अब ये शादियों का खाना है, ये लेके चलते हैं। ये कोफ्ता और एक आलू है और थोड़ा सा शिलवा। शादिया यही खाती है बस। शादिया रो रही है, पता नहीं क्यों। आज मैं आपको दिखाती हूँ क्यों रो रही है मेरी मुन्नी, इतनी क्यूट सी। हुआ हैं क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ कोई चीज खाई थी क्या? तो गले में ही तो दर्द हो रहा है, क्या हो गया ऐसा? आपने खाया क्या था? खाया। तो आप ये खा, फिर गला सही हो जाएगा। खा के देखो। थोड़ी सी मेरी मम्मी मासूम सी है, थोड़ा जल्दी इमोशनल हो जाती है। अब गले में दर्द ही क्यों हो गया? पाल कर दो, जल्दी से पाल कर दो आप ही को। यहाँ भी कर दो। जल्दी छुट्टी का बहाना है? वो ठंडी हो रही है गाइस, ये तो ठंडी पड़ी है। उसके बाद भी गले में दर्द हो रहा है मेरी बहन के, गले में दर्द हो रहा है। मुझे भी अभी पता चला, हाँ ठंड भी लग रही है, तो इसलिए इसने मगर मुंह को नहीं छुपा। ये क्या है सर, ये क्या है? मुझे समझाओ थोड़ा, ये क्या है? और जब जब बोले मुझे लगता है न्यू जैसे कोई प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैं आपको एक कब से एक बात बता रही हूँ, आप लोग भी कह रही हैं अब तो ये बात तो मैं लगा रही हूँ, तो हमें इसका बातें नहीं सुनी। तो मैं अब आपको बताती हूँ, मेरा खाना जो है वो बिल्कुल तरतीब से जमा हुआ था। अनुषा का खाना जो है वो तरतीब से बिल्कुल नहीं जमा हुआ होता, मतलब अनुषा इतनी लापरवाह है कि वो अपने खाने को सेट नहीं करती है। वो ऐसे कपड़े रख देती है बस, जल्दी से न्यू न्यू टेकी और रख दी। मैं जो हूँ बिल्कुल तरतीब से रखती हूँ, तो बस ये है हमारा एकदम। तो अनुषा का खाना है बड़ा, बट अनुषा का खाना पड़ जाता है कम। कपड़े भी उतने ही हैं जितना बड़ा खाना है, बट कपड़े थोड़े ज़्यादा हैं इसके पास, पैंट शर्ट है ज़्यादा है अच्छे के पास। बट वजह ये है कि वो तरतीब से नहीं रखती, तो उसका खाना फेरा फेरा रखता है और जगह पे नहीं होती है। और मैं जो हूँ वो अपना खाना तरतीब से जमाती हूँ, तो मेरे में जगह होती है। तो अनुषा अपने कपड़े मेरे में रख देती है, क्योंकि उसको जहमत नहीं होती कि वो अपना खाना साफ करे। तो खैर बहनों में ये होता है, जब बहनें होती है कछुआपे का खाना आ जाएगा तो उसको फ़ायदा है इस बात का, उसका इसका हम दोनों का बाहर। और ये शादियाँ का खाने में तो सब कपड़े रख देते हैं जिसका दिल चाहता है। जब सालन बना होगा तो रोटी तो तंदूर से ही मंगा के खा के चली जाएगी। आप लोगों ने शादियों की नाद देखी? अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे शादियों ने एक नाद पढ़ी थी शरादपुर में, जो बहुत ज्यादा अच्छी नाद थी। पढ़ी थी शादियों ने वो नाथ वाली पड़ी थी, हमने उसे देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में यही वाली नाथ थी। हाँ तो वो पड़ी थी और शादी ने बहुत अच्छी नाथ पड़ी थी। वो मेरे बाबा को कभी तकरीबन 20 मिनट हो गए, मगर आप ही की क्लास खत्म नहीं होगी। मेरे बाबा वेट कर रही है भाई, और मेरी आप ही जब वो मेरे बाबा ना, अच्छा मेरे बाबा अपनी, मैं आपको एक कहता हूँ, मेरे बाबा है ना अपनी बेटियों की जिम्मेदारी तो उठा ही देते हैं। पहले मैं भी था, कुछ करे बच्चों को पढ़ा लो या घर के काम करा लो। तो जब मेरे बाबा, मैं अनुषा और शादी ट्यूशन जाते थे तो मेरे बाबा हमें भी जाते थे, और अब मेरी आप ही जाती है। तो आप ही के, आप ही मुझे के कही थे, मम्मा पापा गए हुए थे फूफो, मम्मा पापा गए हुए थे फूफो के, और आप ही अनुषा भी गई हुई थी। तो आप, मैं थी और आप ही, तो मेरी आप ही मुझे कह गई थी कि बाबा को भेजना जैसे ही राइट है वैसे ही। मैंने भेज दिया जैसे ही राइट है। अनुषा को भूख लग गई, अनुषा खाना खाई, तो अब लेट हो गई है, कभी क्लास जल्दी खत्म होती है कभी देर से, तो कोई मसला नहीं है, होता है ये सब कुछ। तो आप तो कह देंगे आज बड़ी खुशी खुशी ब्लॉग बना रही है, तो ब्लॉग भी अच्छा बन रहा है ना। तो कल एंड होगा इस ब्लॉग का, तब
भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं खाना खाती हूँ, तो चलें। मुझे ना पेपर याद करने। अच्छा आप क्या कर रही हो? खुरचन खा रही हूँ। आपको खुरचन ही मिली है खाने के लिए? बड़ी प्लेट में इतनी सी खुरचन देते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? मतलब जिसने की चन, उसके बूटे कर। वाह 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 वाह, बस यही आता है। फिर हम अभी टाइम हो गया तकरीबन 11 बजे तक, मुझे सोना है क्योंकि कल स्कूल जाना है। तो स्कूल से आके ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। बकाया जो अब हमारा रह चुका है, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि ये फ्राइडे तक का ब्लॉग है, तो कल स्कूल से आके कंटिन्यू करूँगी अपना ब्लॉग। मैं कंटिन्यू करूँगी अपना ब्लॉग करा के। तो इस ब्लॉग के साथ तब तक बंदे रहिए, ब्लॉग के साथ बंदे रहिएगा तब तक। और सब्सक्राइब कर दिएगा बहन के चैनल को, क्योंकि आगे बहुत मज़े का ब्लॉग है, कल का बहुत मज़े का ब्लॉग है। तो जल्दी से मेरे सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है? और फिर मिलती हूँ कल स्कूल से। आदि की तबीयत सीरियसली ख़राब है। अब मैं दिखाती हूँ मेरी मुन्नी इतनी क्यूट लग रही है, अभी दिखाती हूँ। मुन्नी सो रही है, मेरी सो रही है, देखें। और कल इसका पेपर भी है, इसे बुखार हो रहा है, गर्म हो रही है। और इसका कल पेपर भी है, इंग्लिश राइटिंग डिक्टेशन एंड इंग्लिश रीडिंग। अब देखते हैं। The next day. आज था फ्राइडे, तो मैं उठ गई थी, स्कूल भी चले गई, स्कूल से आ भी गई। आज मेरा पेपर भी था, ओरल था। फ्राइडे वो आपकी वो जो थेरी है वो दे दो, मैं उसमें डाल दूंगी। प्लेट लिया हो जाएगी वहां। तो कचरा मैंने सारा फेंक दिया है तकरीबन बाबा से की जगह से उठा के। हम ड्राई फ्रूट खाते दोनों। अनुषा के लिए अभी तैयार हो रहा है खाना जी। बस बेइज्जती करते हैं भाई, कुछ अच्छा भी कह दूँ तो। पता नहीं मेरे घर वाले कितने लापरवाही हैं। देखे एलईडी चली, खुले छोड़ दी। उसको खिलकाने वाले लगाते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। अभी बन गया, कॉपीराइट से डर लगता है मुझे। कॉपीराइट लगा दे ना तो हो गया काम। डजन मैटर लगता है कॉपीराइट। गाइस आप लोग देख सकते हैं आज मेरा ब्लॉग अच्छा अच्छा बन रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ी मेहनत की, एक कल भी अपने मोबाइल पर बड़ी मेहनत करवाई है मैंने ब्लॉग के खाते, इसलिए कर दिएगा। और अच्छा का खाना बन गया है, हरी मिर्ची। अच्छा अच्छा अच्छा, बिरयानी का सामान तैयार करना है। ये अनुषा का खाना बन गया है, अनुषा खाएगी। अनुषा ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, अब अनुषा दोपहर का खाना खाएगी। फिर रात को हमारे है बिरयानी, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था कि हमारे कल तो आपने सुन ही होगा, इसी ब्लॉग में आपने रात को सुन लिया होगा कि कल क्या बनेगा। तो खैर वो नहीं बन पाया गैस की वजह से, तो बन जाता। बट अब हमने बिरयानी पे रख दी। चावल तो बनते हैं, कैसे बनते पहले छोड़े, वो मटर वाले बनते थे पुलाव, मगर अब बन रही है बिरयानी, उसके लिए तैयार हो गया। मुझे सामान जो पकाए रहेगी वो मैं तैयार करती हूँ, मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो चलते हैं और कभी दिखाते हैं, तो मिलते हैं दो मिनट बाद। पर सामान सारा तैयार करी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मिलते हैं। वैसे रग बड़ी मज़े की दी है मुझे, खा के चेक करती हूँ। फर्स्ट बाइट खाया अच्छी लगी, अभी चाय खा लूँ पहले, मगर आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद सादिया अभी नीचे से आई, और ये देखें क्या काम कर रही है। सादिया हाय कर दो, हाय तो करो। इसे इतनी ठंड लग रही है, मतलब आज तबीयत ठीक है? पेपर के सही है, गुड न्यू करो। अच्छा पढ़ती है, पढ़ाती मैं हूँ।
पापा। मैं पढ़ाती हूँ बड़ी अच्छी, क्योंकि कशवा पे आजकल ट्यूशन जा रही है। खैर वो ही पढ़ाती थी, आप ही पढ़ाती है, और अभी भी आके सुनती हुनती है। अभी ट्यूशन गई, अभी सेंटर गई हुई है, वो आएंगी जब, और इनका दोबारा सुनेंगी कल इनका लास्ट पेपर है। और बड़े मजे की लग रही है बिरयानी। कमेंट में बताइएगा भाई किसके हफ्ते हफ्ते। मेरे तो मेरे 8 दिसंबर को पेपर शुरू होंगे, पता है कब खत्म होंगे मेरे पेपर? 20 दिसंबर को। गैप नहीं है पेपरों में, हफ्ता है तो आज जो आ रहा है उसका है सिर्फ, वरना और गैप नहीं है फालतू। बस देखना आप लोग गाइज, फर्स्ट क्लास माइंड ब्लोइंग। ले गई मम्मा नंबर मेरी, अच्छा पता नहीं क्या क्या सुनिए मेरे बाबा। हम ये पूछ बताया था अभी कि जो ये दौर है ना, इसमें इस्लाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मतलब लोगों के दिनों में इस्लाम इतना नहीं है, हर एक होना चाहिए इस्लाम। हमें अपना दीन का ही नहीं पता है, हम अपने दीन से दूर हैं, ये गलत बात है। हम कोई भी काम करें मतलब, मगर अपने दीन में रहना चाहिए हमें, मतलब नमाज़ पढ़नी चाहिए। जो नमाज पढ़ता है मैं कहती हूँ, और उसे तो ये सारी हदीसें ये सब याद होना चाहिए। पता नहीं कैसा दीन है हमारा, हम बड़े फख्र से कहते हैं हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम है तो मुस्लिम वाले काम नहीं करते, गलत बात है। मुस्लिम मुसलमान हो गई अच्छी बात, मुसलमान एक अच्छा मज़हब है, इस्लाम एक अच्छा मज़हब है। मगर उसमें है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, आप तहज्जुद पढ़ो, जो नबियों की बात है, अंबिया की बात है, रसूल की बात है, ये सब आपको आनी चाहिए। क्योंकि एक ही हमारा मज़हब, हमें याद होनी चाहिए। इतना तो नहीं होता ये आजकल, नहीं है वैसे। और मैं कहती हूँ कितना भी कोई क्या करे, मगर दीन याद रखना चाहिए, हमारा दीन ये है। तभी बस हम यही बातें कर देते, तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊँ। तब अभी अंशु से पूछते हैं कैसी बनी है बिरयानी, वो भी उस कमरे में खा रही है, मैं इधर खा रही हूँ। और बिरयानी भी दिखा देती हूँ, सारी बातें कर दी हूँ, बिरयानी नहीं दिखाया। गाइस ये रही मेरी बिरयानी, आप लोग देख सकते हैं बड़ी मज़े की। अभी खा के टेस्ट करके बताती हूँ। खैर मैंने टेस्ट कर दिया है, आप लोगों को भी बता दिया है, तब हम दोबारा करते हैं तो कोई मसला नहीं है। टेस्ट बिरयानी है, और ये जो इतनी मज़े की बोटी लगती है मुझे, अब मैं इसको खाऊंगी। मजे की बनाई है मम्मी ने, अब उस कमरे में जाके मैं भी सबके साथ खाती हूँ। इधर इसलिए आई थी मैं, उधर चली आई थी, मेरा आता कॉपी राइट, इसलिए मैं इस कमरे में आ गई थी। देन अब मैं उस कमरे में वापस जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे। मैंने आपको बताया था कि मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, और कॉफ़ी बनाने के लिए मैं खड़ी हो चुकी हूँ। तो कॉफ़ी के लिए मैंने सामान भी तैयार कर लिया, बस इन लोगों को दूध ठंडा हो रहा है, तो इसे मैं जल्दी से 5-10 मिनट के लिए मंदी आंच पर रख के गर्म करती हूँ, और कॉफ़ी को जब तक बीट करूँगी तो हो जाएगा अपना काम। तो बस ये बना के ब्लॉग एंड करते हैं। तो अभी अंशु को मैं कैमरा पकड़ाती हूँ और ब्लॉग शूट करती है ये वाला ना कॉफ़ी का, और अनुषा शूट करती है, ठीक है, अंशु शूट करती है, और हम फिर करते हैं मानी। नीति तो अभी पड़ी हुई है, मतलब रखी हुई है, देखें के लिए कॉफ़ी का सामान, और ये दूध को अब वैसे कर। हाँ प्राइस बहुत ईजी है, लोग बोलते का बहुत, हाँ हाँ बोलो, मगर हमारे इसके लिए भी मुश्किल था, मगर जो याद कर लेता है उसके लिए आसान हो जाता है। देन ये है, अब छोड़ दो आप, कॉफी बन गई, कॉफी नहीं आती, कॉफी बना दी थी आज।
तो गाइस आप बस देख सकते हैं हमारी कॉफ़ी तैयार हो रही है। अनुषा भी आ चुकी है। अच्छा कैमरा ना आओ थोड़ा। अच्छा कैमरा से आउट हुई है बिल्कुल ही। रात को टाइम सच्ची होती है। रात को कॉफ़ी जब मैं रात को बना बस रात को बना रही है ना कॉफ़ी। अब हम इसको अच्छी तरह ग्रेंड करेंगे खूब। मतलब देख सकते हैं आप किस तरह के झाग आ रही है। ये रही अनुषा शेफ के साथ। और इसमें इतना आसान है। मैंने जैसे आपको बताया था मैंने दूध को रखा 10 मिनट के लिए। सुबह पे दूध गर्म हुआ तो दूध को मैंने एक कप में निकाला दूध और ये इसको भी अच्छी तरह फेटा कॉफ़ी को है ना पानी में थोड़े से। उसके बाद दूध इस डेची में डाल के और मैंने कॉफ़ी डाल के और ये हो गया। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे और बहुत मज़ा आएगा। मैं आ गई हूँ कमरे में ड्राई फ्रूट्स लेने। तो गाइस मैंने ये दुपट्टा इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मेरे सर में लगा हुआ है ऑयल। मुझे ना वो बहुत बुरा लग रहा है। दो मिनट के लिए रखा था बस चूल्हे पे इससे कि गर्म हो जाए क्योंकि ठंडी हो गई थी। जब मैंने इसको तेज बीट किया तो ठंडी होती है लाइट से बातें मिलाने पे। तो मैंने अब ये गर्म हो गई है बस इसको हम निकालते हैं। ज्यादा हो गई मैंने ये कॉफी क्या मजे शादी अब आप चाको अब अंशु आप ही को चाको अंशु को पता नहीं कौन सा सदमा लग गया। बहुत अच्छी लग रही है। मेरी मेहनत ही गई सी है। अब ये मेरी आप ही चखेगी। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब डेली व्लॉग आया करेगा डेली बेसिस पे व्लॉग आया करेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब डेली व्लॉग में छोड़ा करूँगी। वो इतना सा हो या इतना बड़ा हो आप लोगों को देखें कल एक चैलेंज भी करेंगे बाबा के साथ उसकी वो भी देखिएगा। व्लॉग बड़ा हो आधा होएगा तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।